हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने वाले हैं ये है बजाज पल्सर N160। अगर इसके प्राइस रेंज की बात की जाए तो बजाज पल्सर N160 सिंगल चैनल ABS का प्राइस है 1,22,000 और ड्यूल चैनल ABS का प्राइस है 1,29,000। और आज जो हमारे सामने बाइक है ये है इसका ड्यूल चैनल ABS वाला वेरियंट। इस वीडियो में हम इसके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें इसकी फीचर्स, इसकी स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी, टॉप स्पीड, इसकी माइलेज। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल से। इस बाइक में आपको ग्लोसी ब्लैक कलर का यूज़ काफ़ी देखने को मिलेगा और साथ में ग्राफिक्स भी इसमें काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। रोबोटिक इसमें हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं फ्रंट में विद 2 DRL। सो फ्रंट प्रोफाइल इसकी काफ़ी अच्छी बनाई गई है, साथ में इसमें 2 टर्न इंडिकेटर्स और टेलीस्कोपिक इसमें सस्पेंशन दिए जाते हैं 37mm फोर्क के साथ। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है और जो मड गार्ड है इस पर भी आपको मैट ब्लैक और ग्लॉसी ब्लैक कलर का यूज़ देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसकी ABS की ब्रांडिंग, ड्यूल चैनल ABS इसमें आता है। इंडिया की फर्स्ट ऐसी 160cc की बाइक है ये, जिसमें कि ड्यूल चैनल ABS के साथ ये ऑफर की जाती है। डिस्क ब्रेक की बात की जाए तो इसमें 300mm की ऑफर की जाती है। साइड में इसमें रिफ्लेक्टर्स ऑफर किए जाते हैं। और अगर टायर साइज़ की बात की जाए तो 100x80 17 इंच की टायर सेक्शन की जो प्रोफाइल है वो ऑफर की जाती है। और जो इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा इसका बनाया गया है। अब ये कुछ आप देख सकते हैं इसके टायर की वेट, इसकी ठीक ठाक सी रखी गई है ताकि अच्छी ग्रिप बनी रहे रोड पर। अब हम चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। वहाँ पर अगर हम चेकआउट करें तो यहाँ पर सबसे पहले पल्सर की 3D में ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और मैट ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है, साथ में ग्लॉसी ब्लैक कलर का भी यूज़ इसमें देखने को मिल जाता है और साथ में रेड और वाइट कलर के इसमें साइड में ग्राफिक्स भी ऑफर किए जाते हैं। जो ये आप लेग गार्ड देख रहे हैं ये भी कंपनी की तरफ से इंस्टॉल किए जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसका 160cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOHC 2 वाल्व ऑयल कोल्ड FI इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 16 PS की एट 8,750 RPM और मैक्सिमम टॉर्क इसमें मिलती है 14.6 Nm एट 6,750 RPM। एंड ये इंजन आपको अच्छी पावर निकाल कर दे देता है, तो आपको पावर की कोई कमी इसमें नहीं रहने वाली है। ये आप रेयर में चेकआउट कर सकते हैं। इसमें N160 की ब्रांडिंग विद जो ग्राफिक्स इसमें दिए गए रेड और ब्लैक कलर के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अब इसके रेयर सस्पेंशन की बात की जाए तो इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं मोनोशॉक विद नाइट्रोक्स सस्पेंशन। रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है और साथ में ABS रेयर में भी आपको मिल जाता है। अगर टायर साइज़ की बात की जाए तो 130x70 17 इंच की जो इसकी सेक्शन की प्रोफाइल है टायर की वो आपको देखने को मिल जाती है। और जो रेयर ब्रेक है उसका अगर डायमीटर की बात की जाए तो वो आपको ऑफर की जाती है 230mm की, ऐसा कुछ इसमें रेयर टायर की जो विड्थ है वो ऑफर की जाती है। अब इसके रेयर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं इसके ग्रैब हैंडल्स, जो कि मैट ब्लैक कलर में दिए गए हैं और काफ़ी अच्छे स्टडी लगते हैं देखने में। स्प्लिट इसमें 2 टेल लैंप इस ऑफर की जाती है, साथ में टर्न इंडिकेटर्स और रिफ्लेक्टर्स इसमें दिए जाते हैं। अब इस बाइक के अदर साइड प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको सारी गार्ड देखने को मिल जाता है। रेयर में फुटरेस्ट इसमें ऑफर किया जाता है, साथ में साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड भी इसमें देखने को मिल जाता है। अब इस बाइक के अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो इसमें कर्व वेट मिलता है 154 kg का, व्हील बेस इसमें ऑफर किया जाता है 1358mm का, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें देखने को मिल जाती है 165mm की, जो इसकी सीट हाइट है वो इसमें दी जाती है 795mm की। 2 स्प्लिट सीट इसमें दी जाती है और इनकी कुशनिंग भी ठीक ठाक रखी गई है सीट पे। पल्सर की आप ब्रांडिंग चेकआउट कर सकते हैं। सो ऐसे कुछ इसमें सीट देखने को मिलती है। राइडर वाली सीट इसमें आपको थोड़ी नीचे देखने को मिलेगी ताकि इसको थोड़ा और स्पोर्टी लुक दिया जा सके और इसको शॉर्ट राइडर भी ईजिली चला सकें। सो ऐसे कुछ इसमें साइड प्रोफाइल लुक देखने को मिलती है। अब हम चेकआउट करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। उससे पहले आप इसका देख सकते हैं ये 14 लीटर का जो फ्यूल टैंक है, इस पे भी आपको ग्लॉसी ब्लैक और मैट ब्लैक कलर का यूज़ देखने को मिल जाता है। इस बाइक में गाइज एक प्लस पॉइंट भी है, वो क्या है, वो है ये, इसमें आपको USB चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है जिसकी पोजीशनिंग भी अच्छी जगह पर रखी गई है। इस टाइप की इसमें 2 कीज़ ऑफर की जाती है। अब हम करते हैं इसका इग्निशन ऑन। जैसे हम इसका इग्निशन ऑन करते हैं तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं इसका सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर,
जिसमें काफ़ी सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। बट आरपीएम मीटर जो इसमें वो एनालॉग में दिया गया है, बाकी स्पीडोमीटर, टाइम, रेंज, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, एबीएस की वार्निंग और ये सारी कुछ आप इन्फॉर्मेशन आप डिजिटली चेकआउट कर सकते हैं। डिस्टेंस टू एम्प्टी भी इसमें मिल जाता है, जिससे कि आपको काफ़ी ईजी रहता है कि आपकी बाइक कितने किलोमीटर तक चलेगी। साथ ही गाइज आप इसमें फ्यूल इकोनॉमी एंड रेंज इंडिकेटर जैसी इन्फॉर्मेशन भी चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके लेफ्ट साइड के हैंडल बार की बात की जाए तो वहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं जो नॉर्मल कंट्रोल्स होते हैं वो, जैसे कि पासिंग स्विच, इंडिकेटर और हॉर्न के कंट्रोल्स इसमें दिए जाते हैं। अब राइट साइड के अगर हैंडल बार की बात की जाए तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं स्टार्टर बटन, इंजन किल स्विच और लाइट के स्विच। अब इस बाइक के माइलेज के बारे में बात की जाए तो कंपनी जो क्लेम करती है इसकी माइलेज वो है 59.1 KMPL और जो टॉप स्पीड इसमें देखने को मिलती है वो 120 की। अब हम चेकआउट करते हैं इसकी हेडलाइट्स और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप की LED की हेडलैम्प्स इसमें देखने को मिलती है। ये आप चेकआउट कर सकते हैं, फुली LED प्रोजेक्टर में इसमें हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। सो अगर इंजन साउंड की बात की जाए तो ऐसा कुछ 160cc का इंजन साउंड क्रिएट करता है जो कि ठीक ठाक सी साउंड लगती है सुनने में। अब रेयर टेल लैम्प की अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस टाइप की ऐसा कुछ इसमें ब्राइट सी टेल लैम्प देखने को मिल जाती है। ओवरऑल डिज़ाइन वाइज मुझे ये बाइक काफ़ी अच्छी लगी। आपको ये बाइक कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर कोई मेरा फ्रेंड इस बाइक को ऑलरेडी यूज़ कर रहा है तो इसके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में या उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि कोई अगर न्यू बाइक परचेज़ करना चाह रहा हो और ये बाइक लेने का मन बना रहा हो तो एटलीस्ट उनको पता रहेगी क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है और वो राइट डिसीजन ले सके। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट डिटेल रिव्यू बजाज पल्सर N160 ड्यूल चैनल ABS का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू बाइक्स, न्यू अपडेट्स। टिल देन गुड बाय।